नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज 23 सितंबर है, एक तारीख जो बदलाव लाई है भारत के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। आज इस योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बदलाव आया। वो बदलाव देश के गरीब तबके के लिहाज से बेहद खास रहा। 1,25,00,000 से भी ज्यादा लोग इस योजना के जरिए अपना मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि कैसे 23 सितंबर 2018 से 23 सितंबर 2020 तक कैसा रहा इस योजना का सफर और क्या है इस योजना के आगे की राह, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। इंडिया स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो, आयुष्मान भारत। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है। तेईस सितंबर 2018, झारखंड की राजधानी रांची का प्रभात तारा मैदान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत का गवाह बना। हम सब के लोकप्रिय जननायक माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों भारतवासियों को रोग मुक्त बनाने और भारत को आयुष्मान बनाने का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ। देश को आयुष्मान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आई। संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का। लेकिन क्या ये महज एक योजना ही थी? नहीं, ये एक सोच थी। इसकी साए में एक ऐसा सांचा गढ़ा गया जो देश की 50 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए था। योजना के मायने थे, दायरा भी था, लेकिन उसमें शामिल थी देश की 40% आबादी। बदलाव आया, जरूरत पूरी हुई, गरीबी और बीमारी से असहाय लोगों को सहारा मिला। देश के उस तबके का डर दूर हुआ जिसके हिस्से में अस्पताल का इलाज था ही नहीं। दर्द था लेकिन दवा दूर थी। वो तबका जो दशकों तक इलाज के लिए मोहताज था, उसको योजना ने मरहम देने का काम किया। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। आयुष्मान भारत योजना ने इन उदास चेहरों की बेचैनी और घबराहट को दूर कर दिया। अब ये मजबूर नहीं है। योजना से इनको स्वास्थ्य कवर मिला है, इनको हक मिला है। इरादों से सोच ने आकार लिया और सपना साकार हुआ, भारत का आयुष्मान बनने का, जन जन को आरोग्य करने का। भारत को आयुष्मान बनाने, जन जन को आरोग्य बनाने, देश हित में चली हवा, मुफ्त में उपचार मिलेगी दवा। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। मेन उद्देश्य ये था कि जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको भी अच्छी क्वालिटी की सुविधा मिले और वो उसको अफोर्ड कर सके, और जो लोग गरीबी की वजह से
उपचार नहीं करा पा रहे थे या उनको उपचार करने के लिए बोरो करना पड़ता था या जो अपने प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको बेचना पड़ता था वो नहीं करें। तो जो मैंने पहले बताया कि जो बीमारी और गरीबी का कुचक्र है, क्योंकि बीमारी होती है उससे आप गरीबी भी गरीब बनते हैं, गरीब होते हैं तो आप बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं, उस कुचक्र को तोड़ना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था। आयुष्मान भाव यानी कि स्वस्थ रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद। आयुष्मान भारत योजना देश के लिए आशीर्वाद बनी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश की निम्न आय वाली एक बड़ी आबादी के हर परिवार को हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा बिना किसी शुल्क के मिलती है। दुनिया भी भारत की इस स्वास्थ्य योजना का लोहा मान रही है। सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बीमा कवरेज मिले, इस मकसद से शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के 2 साल पूरे हो गए हैं। योजना के बाद 2 साल के अंदर ही देश के सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के 1,25,00,000 से ज्यादा मरीजों को निशुल्क इलाज मिल चुका है। इसमें 13,412 करोड़ रुपए की लागत आई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले लोगों की अस्पताल तक पहुंच आसान बने, इसके लिए इस योजना में देश भर के 23,281 अस्पतालों को शामिल किया गया है। योजना के तहत 2 साल में पात्र लाभार्थियों को 12.57 करोड़ ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत PMJAY योजना की सफलता की कहानी के लिए एक मील का पत्थर है। देखिए, इस योजना के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन ये रहा कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर कोई गरीब व्यक्ति, गंभीर बीमारियों के उपचार की से वंचित ना रहे, विशेषकर उसको खर्चे की वजह से वो वंचित ना हो। और कभी कभी जो बीमारी का उपचार होता है उससे एक गरीबी का कुचक्र चलता है कि आपने बीमारी के उपचार के लिए खर्चा किया, उससे आप गरीबी में चले गए। और जो हम लोग के पास आंकड़े हैं उससे ये लगता है कि करीब 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं सिर्फ उपचार के खर्चे की वजह से। तो एक बात कि सभी को उपचार मिले, सभी को उपचार के लिए खर्चा नहीं देना पड़े और खर्चे की वजह से वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएं, इसको लेके इस योजना का प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था। 23 सितंबर को रांची से उन्होंने इसको देश के लिए समर्पित किया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में रहने का खर्च, अस्पताल में खाने का खर्च, इलाज के दौरान आने वाली तमाम मुश्किलों को दूर किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल भी इस योजना के तहत दी जाती है। योजना के तहत हार्ट अटैक और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। इन बीमारियों में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत दवा से लेकर अस्पताल में मिलने वाली हर सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ, बिना किसी शुल्क के ये सेवाएं मिलती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 1,393 प्रक्रियाएं और पैकेज शामिल हैं। ये योजना हार्ट अटैक और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों में राहत दिलाने में बेहद काम आ रही हैं। इतना ही नहीं, इलाज के दौरान दवा, मेडिकल जांच जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI समेत कई तरह की जांच भी शामिल हैं, ये सब पूरी तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क मिलता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत पात्र परिवार के सभी सदस्य योजना के पात्र होते हैं, यानी सदस्यों की संख्या, आयु सीमा जैसी कोई भी बाध्यता नहीं होती। केंद्र सरकार की इस योजना से अब तक देश भर में 30 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई है। इस योजना के तहत अब तक 70 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं ने स्तन कैंसर की जांच भी कराई है। जिनको जरूरत थी, सही वक्त पर उनको इलाज मिला, जीवन जीने का वरदान मिला। इस साल पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से दोचार हो रही है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। जनवरी के अंत में भारत में COVID-19 का पहला मामला सामने आया। धीरे धीरे इस महामारी ने तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। मुश्किल दोहरी थी, एक तरफ महामारी तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण रोजगार पर असर। ऐसे मुश्किल हालत में
आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कवच साबित हुई है। कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा कीमत गरीब वर्ग को चुकानी पड़ी है। काम धंधे ठप होने के बाद किसी पर बीमारी का हमला हुआ तो मानो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना गरीबों और जरूरतमंद लोगों का सहारा बनी है, जिसने गरीबों का कैशलेस इलाज कराने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत हजारों गरीबों को कोविड-19 महामारी के दौरान निःशुल्क इलाज मिला है। देश भर में मुफ्त में कोविड-19 टेस्ट भी आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना का अहम हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जाल फैला। कोविड-19 काल में ये बेहद उपयोगी भी साबित हुए हैं। आयुष्मान भारत के तहत कोरोना काल में 1 फरवरी से 41,790 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 8,80,00,000 से ज्यादा लोगों को इलाज मिला, जबकि इस दौरान कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ था। फरवरी से जून तक 5 महीनों में इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उच्च रक्तचाप के लिए 1,41,00,000 लोगों को इलाज मिला, मधुमेह के लिए 1,13,00,000 लोगों और मौखिक स्तन या गर्दन संबंधी कैंसर के लिए 1,34,00,000 लोगों की जांच की गई। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रोगियों के इन केंद्रों में पहुंचने की ये संख्या 14 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक के महीनों में दर्ज किए गए कुल संख्या के लगभग बराबर है। इस समय देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, इसमें भी हम लोगों ने 3,00,000 से अधिक टेस्टिंग कराई हैं इस योजना में और कई हज़ार ट्रीटमेंट भी इस योजना में हुए हैं। तो कोरोना में भी इसका काफ़ी हम लोगों ने सपोर्ट किया है इस योजना के माध्यम से। आयुष्मान भारत योजना के 2 साल के सफल सफर के बीच सवाल ये भी है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में देश में स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज़ादी के बाद करीब 7 दशक बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारी GDP का 2% से भी कम खर्च हुआ। ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने अपनी नई स्वास्थ्य नीति में 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज इसी कदम का एक हिस्सा है। देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। साल 2018 का स्वतंत्रता दिवस, देश की आज़ादी के जश्न के बीच लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान किया तो ये साफ हो गया कि देश के सबसे पिछली पंक्ति में खड़े लोगों को बीमारी के संकट से बचाना है। वादा था, पक्का इरादा था, काम पूरा हुआ। दरअसल भारत सरकार देश के गरीब लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्धता कई बार दोहरा चुकी थी। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं देने का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत के तहत 2 तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया है। सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण घरों के करीब किया गया ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा मिल सके, और दूसरा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारियों के वक्त सही इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 2/3 है। हालांकि स्वास्थ्य को सेवा का जरिया माना गया है, लेकिन ये सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि ऐसा होता नहीं है। कहने को स्वास्थ्य सेवा का मकसद पैसा कमाना नहीं है, लेकिन कई बड़े बड़े निजी अस्पताल CSR, जनसेवा या चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे बाजारवाद की जकड़ में हैं। गरीब और जरूरतमंद के लिए वहाँ कुछ नहीं था, ना तो इनको सही इलाज मिल पाता था, और अगर इलाज हो भी गया हो तो खर्च उठाना गरीब के बस के बाहर ही रहा।
लेकिन देश की एक बड़ी आबादी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रही। सही और समय पर इलाज ना मिलने और इलाज का खर्च ना उठा पाने की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के बीच निजी अस्पतालों में इलाज दिन ब दिन महंगे होते गए। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज से लोगों के जीवन भर की पूंजी एक बार में चली जाती। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत एक नई क्रांति है। इस योजना के लागू होने के बाद गरीब लोगों को इलाज के लिए पैसे की कमी अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। ये एक नई तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर, जिसने उम्मीद दी, उनके चेहरे पर मुस्कान दी, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। किसी भी योजना की सफलता के कई पैमाने माने जा सकते हैं। सफल है तो कैसे, और अगर कुछ कमी या असफल है तो कैसे। इसके अलावा कई योजना सही से लागू नहीं होने के कारण भी बेअसर हो जाती है। ये सब तय करना बहुत मुश्किल काम नहीं है कि योजना सफल है या असफल। आज देश में आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं। योजना को UN, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई विकसित देशों से तारीफ मिल चुकी है। योजना के मॉडल के बारे में वैश्विक स्तर पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। ये वो तमाम आधार हैं जो इस योजना के 2 साल के सफल सफर की कहानी कह रहे हैं। COVID-19 वैश्विक महामारी से पैदा हुए संकट को अवसर में भी बदला जा सकता है। भारत की बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने से भारत सरकार की COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में लाभ मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेसिस ने भी कोरोना काल में आयुष्मान भारत योजना के जरिए लोगों को मिले इलाज के बारे में अपनी राय रखी। मुश्किल वक्त और हालात में योजना ने अपना असर दिखाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने योजना की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा वक्त में पूरे विश्व के लिए चुनौती लेकर आए कोरोना वायरस के वक्त इससे मुकाबला करने के साथ साथ हमें इस चुनौतियों में अवसरों को भी खोजना होगा, और इस लिहाज से भारत अपने यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जमीनी बुनियाद स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कोरोना काल का बेहतर उपयोग कर सकता है। इस योजना की तारीफ कई मंचों पर हुई है। WHO के जो DG हैं उन्होंने भी इस योजना को सराहा था। बिल गेट्स ने इस योजना को सराहा था। एक नोबेल लॉरिएट हैं अभिजीत बनर्जी, उन्होंने भी इस योजना की काफ़ी तारीफ की है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो तारीफ है उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रसन्नता होती है, इनकरेजमेंट मिलता है, लेकिन उस से अधिक बढ़ के हमको काम करना है इसमें। हम लोगों को जब तक कि आखिरी व्यक्ति है उसको पूरी सुविधा ना मिल जाए और ये जो स्कीम है पूरी तरह से एक तरह से मैच्योर ना हो जाए, तब तक हम लोगों को इस पे काम करना है, और अभी भी काफ़ी आगे जाने की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत योजना को 2 साल हो चुके हैं, योजना का अच्छा असर भी देखा गया है, लेकिन सरकार इस योजना को और तेजी देना चाहती है। इसके लिए खास अभियान चलाए जाने की योजना है। देश भर में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही योजना को लेकर कुछ राज्यों पर खास फोकस भी होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देश भर में लागू कर रहे संगठन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जल्द ही देश भर में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार पर विशेष फोकस होगा। अब सवाल उठता है कि इन राज्यों पर विशेष फोकस क्यों? तो इसका जवाब है, इन राज्यों में इस योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी रहते हैं। ऐसे में वहाँ अभियान को तेजी देने से बेहतर नतीजे मिलेंगे। इन तीनों राज्यों में करीब 30% पात्र रहते हैं। PM जय योजना के सबसे ज्यादा पात्र उत्तर प्रदेश में 6,47,00,000 है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां 5,55,00,000 पात्र हैं। MP में भी 3,73,00,000 पात्र हैं। इनमें से अभी तक UP में 96,23,000 लोगों का ई कार्ड बना है।
बिहार में अभी तक 53,93,000 लोगों का ई कार्ड बना है। मध्य प्रदेश में 1,43,00,000 लोगों के ई कार्ड बन चुके हैं। देश भर में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को ढूंढकर उनका ई कार्ड बनाया जाएगा। ई कार्ड बनते ही सभी चयनित व्यक्तियों को इस योजना में चिकित्सा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर इस योजना के पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया है। देश भर में इनकी संख्या करीब 54 करोड़ है। अभी तक 12.57 करोड़ लोगों का ही आयुष्मान भारत कार्ड बन पाया है। साफ है कि काम तो हुआ है, लेकिन अभी बाकी भी है। इसलिए तय किया गया है कि देश भर में ई कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाए और योजना को पहले से तेज रफ्तार दी जाए। इस योजना में तो ई कार्ड पहले दिन से ही बन रहा है और पूरी की पूरी योजना जो है वो आईटी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जिसमें कि व्यक्ति और जो हमारा चयनित व्यक्ति है उसके आइडेंटिफिकेशन से लेकर जो अस्पताल का ट्रीटमेंट और अस्पताल का पेमेंट है, पूरा का पूरा पेपरलेस वे में आईटी के माध्यम से होता है और हर एक व्यक्ति को एक यूनिक आईडी दी जाती है। लेकिन इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, एक जो नया प्रधानमंत्री जी ने मिशन घोषित किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो उसके साथ इसका इंटीग्रेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे कि ये जो योजना है जिसमें कि आईटी का काम हुआ है उसको हम लोग धीरे धीरे पूरे देश पे ले जा सकें। योजनाएं बनती हैं, लागू होती हैं, अपना असर दिखाती हैं। इस लिहाज से आयुष्मान भारत पीएमजे ने महज 2 साल में शानदार नतीजे दिए हैं। देश की उस आबादी की उम्मीदों को पूरा किया है जिनको इसकी सबसे ज्यादा दरकार थी। हमारे इस खास पेशकश आयुष्मान भारत सफलता के 2 साल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।